है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। टमाटर की नर्सरी तैयारी पर वैज्ञानिक सलाह। ग्राफ्टिंग विधि द्वारा नए पौधे तैयार करने की तकनीक। अपने प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में टमाटर की खेती की जाती है, तो जो किसान भाई टमाटर की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए इसकी नर्सरी तैयार करने का सही समय चल रहा है। तो इसके लिए किसान अपनी बाजार मांग और एरिया के हिसाब से टमाटर की कौन सी किस्म का चयन करें और स्वस्थ नर्सरी तैयार किस तरह से करें, इस बारे में समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बृजकिशोर प्रजापति से। और आज जो है हम बरसात के मौसम में टमाटर के स्वस्थ पौधे की तैयारी हेतु हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम है, हमें अच्छी किस्मों का चयन करना टमाटर में सबसे पहले ज़रूरी होता है। जो विभिन्न प्रकार के हानिकारक कवक जो भूमि पाए जाते हैं, उसे प्रतिरोधक क्षमता उसमें हो। दूसरा जो होता है, जीवाणु और विषाणु के द्वारा होने वाले जो विभिन्न प्रकार के बीमारियाँ हैं, उससे भी वह पौधा जो है प्रतिरोधक क्षमता उसमें अच्छी बनी हो। सर्वप्रथम जो है हम टमाटर की किस्मों की अगर हम बात करें, तो टमाटर की जो किस्में हैं, जैसे वो काशी अमन है, काशी आदर्श है, इसी प्रकार से पूसा हाइब्रिड 1 है, पूसा हाइब्रिड 2 कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा जो है जवाहर टमाटर 99 यह किस्में भी जो है बरसात के मौसम में अच्छी उत्पादन हमें देती हैं। किसान भाइयों, सर्वप्रथम जो है आपका पौधशाला में भूमि का चयन करना अति आवश्यक होता है। भूमि जो है मुख्यतः ध्यान रखनी होती है, जिससे पीएच मान जो होता है 7.0 के आसपास हो। बहुत ही अम्लीय भी नहीं होनी चाहिए, 7.0 से कम नहीं होनी चाहिए, 7.0 ऊपर से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्षारीय प्रकृति की होती है। इसी प्रकार से जो होता है उसमें जीवाश्म कार्बन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, 0.5 से लेकर 0.75% के बीच होनी चाहिए। भूमि आपकी जो होती है मिट्टी थोड़ी हल्की भूमि किस्म की होनी चाहिए, मतलब बलुआर दोमट या दोमट किस्म की होनी चाहिए। और भूमि आपकी ढलान होनी चाहिए, लगभग 5% से ऊपर की ढलान नहीं होनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर जो है हमें भूमि में जो हम पौधशाला जहाँ बीज का हमें डालना है, वहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। पौध के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहाँ पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो। वही भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। पौधे तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी क्यारी भूमि से लगभग 15 से 20 सेमी ऊंची बना लेनी चाहिए। बीज बोने से पहले क्यारी की भली भांति गुड़ाई करनी चाहिए। वही प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 से 5 ग्राम कैप्टान या थायराम मिलाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूरोडान मिला देना चाहिए। सर, अब हम जो है अगर हम बात करें बीज दर की जो है, तो 400 ग्राम जो है बीज दर प्रति हेक्टेयर की दर से हमें उपयोग में लाना चाहिए। अगर हम हाइब्रिड किस्मों का अगर चयन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से है बीज दर कम हो जाएगी, 200 से 250 ग्राम जो है बीज की मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होती है। भौतिक शुद्धता के अंतर्गत हमें यह देखना चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार के जो है दूसरे खरपतवार के बीज या उसके डंठल, कंकड़, पत्थर, धूल, डस्ट या किसी प्रकार की चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। अंकुरण किसी भी सब्जी में, इसी प्रकार से टमाटर में भी 90% से कम जो है बीज जो आप खरीदें उसमें अंकुरण की दर जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, चयनित किस्मों के बीजों को जो है हम जो है थीरम या कैप्टान की 3 ग्राम प्रति केजी दर से हम उपचारित कर सकते हैं, या कार्बेंडाजेम जो बायोस्टिन नाम से आता है उसकी 2.5 ग्राम मात्रा को जो है हम प्रति केजी की दर से उपचारित कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम
अब जो है किसान भाइयों क्यारियों के निर्माण उपरांत, बीज का शोधन उपरांत जो है क्यारियों में जो होता है लाइन जो होती है, हमें लाइन जो बनानी होती है क्यारियाँ, उसमें 5 सेंटीमीटर के बीज का अंतर रखना होता है, बहुत गहरा बीज को नहीं डालना होता है, और बीज डालने उपरांत जो होता है बीज को ढकना अति आवश्यक होता है। तो बीज को ढकने के लिए जो किसान मित्रों आपको जो है 2:1:1 मतलब अगर हम आप 2 किलोग्राम मिट्टी ले रहे हैं तो उसमें 1 किलोग्राम जो सड़ी हुई गोबर की खाद या FIM लीजिए, और उसमें जो है 1 किलोग्राम जो है रेत को मिलाकर जो है हल्की परत जो है आप बीज जहां डाले हैं क्यारी में उसके ऊपर आप बिछा दीजिए। उसके उपरांत जो है बुआई के बाद बीज को मिट्टी तथा सड़े गले गोबर के खाद के मिश्रण से ढककर उसके ऊपर कांस अथवा पुआल आदि की एक पतली परत बिछा देनी चाहिए, जिससे धूप तथा वर्षा से बीज की रक्षा हो सके। यह परत भूमि में नमी बनाए रखने में भी सहायक होती है। बीज बोने के तुरंत बाद क्यारी में फवारे या हजारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए तथा इसके बाद 1 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। जब बीज का जमाव हो जाए तो कांस अथवा पुआल की परत को हटा देना चाहिए ताकि पौधों को धूप व हवा लग सके। अंकुरण के बाद कैप्टान या थायराम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल पौधों की जड़ों के पास मृदा में डालने से जड़ गलन तथा अन्य बीमारियों का भय नहीं रहता है। वहीं आवश्यक हो तो 10 से 15 दिन बाद फिर ड्रेनचिंग करना चाहिए। इसी प्रकार से जब पौधा आपका 15 से 20 सेंटीमीटर का हो जाता है तो उस पर जो है आपको अगर किसी प्रकार के खरपतवार दिखाई दे रहे हैं तो आप खरपतवार को निश्चित रूप से निकाल दें, जिसके कारण जो है पौधे और खरपतवार के बीच जो है प्रतिस्पर्धा जो न्यूट्रिएंट को, पोषक तत्वों को या सूरज की प्रकाश को है वह निश्चित रूप से हवा के लिए जो है वह कम हो जाएगी, पौधा आपका स्वस्थ बनेगा। इसके बाद अगर कई बार जो किसान मित्रों रस चूसक कीट भी पाए जाते हैं तो उसके नियंत्रण के लिए जो होता है आपको थायोमेथेक्साम की 0.3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में लेकर आप छिड़काव अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इन रस चूसक कीटों से आपको नियंत्रण मिलेगा। अब जो है आपको यह ध्यान रखना है जब आपका पौधा जो है 15 से 20 सेंटीमीटर का हो जाता है तो यह पौधा जो है मुख्य भूमि में रोपण के लिए जो होता है सही होता है। किसान भाइयों अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और अकोला में सैलाब से बुरे हालात, जल गांव में तापी नदी का पानी बढ़ने से खोले गए हत्तूर डैम के 41 फाटक। ओडिशा के संबलपुर में तेज बारिश के डैम में खोला गया गेट, हीराकुंड डैम का गेट खोलकर छोड़ा गया पानी। रक्सौल में 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार, नेपाल से भारत में घुसने के दौरान पुलिस ने पकड़ा सीमा शुल्क ऑफिस के सामने आई कार्रवाई। सीहोर को सीएम शिवराज ने विकास कार्यों के लिए सौगात, करोड़ों के निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन लोकार्पण, गोपालपुर गांव में रोड शो। मिशन 2023 में जुटी बीजेपी, भोपाल में चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन, कई समितियों का हुआ गठन, 25 जुलाई से 12 अगस्त तक समरसता यात्रा की तैयारी। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। अच्छी प्रजातियों के अधिक फल देने वाले वृक्षों को देखकर किसान अक्सर यह सोचते हैं कि शायद ऐसे और पौधे हमारे पास होते तो बागवानी से अच्छा मुनाफा होता। किसान भाइयों हम आपको बता दें कि आप इन वृक्षों से नए पौधे ग्राफ्टिंग विधि द्वारा आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आप कैसे करें नए पौधे, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा से। जैसा कि आपने पूछा कि आम पे ग्राफ्टिंग कैसे तैयार किया जाए, तो इसके लिए हमको 1 साल पहले से ही तैयार रहना पड़ता है कि ग्राफ्ट कैसे तैयार किया। तो 1 साल पहले हमको क्या करना है कि सारा का सारा आम का बीज इकट्ठा करना है, उसको 15x7 सेंटीमीटर का जो पॉलीबैग रहता है उसमें FYM मिट्टी और थोड़ा सैंड और
अगर मिल जाए तो वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके 1:1:1 रेशियो में उसको बैग फिल करके उसमें हमको आम का बीज सोइंग कर देना है। आम का बीज सोइंग करने के बाद उसका जर्मिनेशन हो जाएगा और पौधा हमारा एक साल पुराना हो जाएगा, को हमको ग्राफ्टिंग के लिए यूज करना है। तो नेक्स्ट ईयर हमको क्या करना है कि अगर पॉली हाउस अवेलेबल है तो पॉली हाउस के अंदर हमको ग्राफ्टिंग फरवरी मार्च में ही हम इसको ग्राफ्टिंग कर सकते हैं पॉली हाउस के अंदर की कंडीशन में। अगर इस उस केस में हमारा रूट स्टॉक 6 से 8 महीने पुराना भी चलेगा पॉली हाउस के अंदर। अगर हमको ओपन कंडीशन में करना है तो जुलाई अगस्त में हम ग्राफ्टिंग करेंगे, जो इस समय सबसे सटीक टाइम है रनी सीजन के बाद में। वीनियर ग्राफ्टिंग में आम के नए पौधे तैयार करने के लिए चीरा लगाने के लिए एक छोटी चाकू स्केटिया, कलमों को बांधने के लिए पॉलीथीन की आवश्यकता होती है। और इसके लिए हमको क्या करना है कि रूट स्टॉक को हमें 18 से 20 सेंटीमीटर ऊपर से इसको कट कर देना है। साथ में उसमें हम सॉफ्टवुड बेस्ड ग्राफ्टिंग मेथड से ग्राफ्टिंग करेंगे, उससे हमको हायर परसेंटेज ऑफ सक्सेस मिल जाएगी। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो मदर प्लांट है वो हमको एक अच्छा सा मदर प्लांट सेलेक्ट करना है, वो डिजीज फ्री होना चाहिए। और मदर प्लांट में हमको ग्राफ्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले जो सेलेक्टेड ब्रांच होगी जिसको हम ग्राफ्ट करेंगे 4 से 5 महीने पुरानी ब्रांच को, और इसका हमको डायमीटर ऑलमोस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसकी लंबाई हम कम से कम 15 से 18 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसमें कम से कम 3 से 4 कलिकाएँ होना चाहिए। और इसको हम ग्राफ्टिंग करने से 10 दिन पहले इसकी पत्तियों को हम अच्छे शार्प सिकेचियर से कट कर देंगे, और ताकि इसमें न्यू शूट न्यू बड्स जो है निकलना स्प्राउट करना शुरू कर दें। फिर इसको हम सॉफ्टवुड वेज मेथड से रूट स्टॉक में वी शेप का कट लगा के, और इसको हम इन्वर्टेड वी शेप का कट लगा के हम इस रूट स्टॉक में सेट करेंगे, और उसको अच्छी से हम पॉलीथीन टेप से रेप करेंगे। और हम इसके ऊपर अगर मॉइस्चर लेवल कम है तो एक पॉलीथीन कैप करके आता है उसको हम ऊपर से फिट कर देंगे ताकि मॉइस्चर लेवल बना रहे, और ये ग्राफ्ट हमारा 2 से 3 महीने में तैयार हो जाएगा। बीनियर ग्राफ्टिंग में 2 तरह के पौधे होते हैं। पहला पौधा होता है मूल वृंत, यानी वो पौधे जो कि आप बीज के द्वारा तैयार करते हैं। दूसरा है शंकुर डाली। शंकुर डाली पौधे की उस कलम या शाखा को कहते हैं जिसको दूसरे वृक्ष या पौधे से काट कर लाते हैं, या आप जिस किस्म का पौधा तैयार करना चाहते हैं। इस विधि से पौधे तैयार करने के लिए सबसे पहले मूल वृंत को चुन लेते हैं, फिर मात्र पौधे से ऐसी शाखा को चुनते हैं जो कि 6 से 7 माह पुरानी पेंसिल के आकार की हो। इसको शंकुर डाली कहते हैं। इस शाखा की कलम लगाने के 8 से 10 दिन पहले पत्तियां तोड़ देते हैं, फिर मूल वृंत के निचले हिस्से पर 3 सेंटीमीटर लंबा तिरछा कटाव करके छिलका उतार देते हैं। इसके बाद शंकुर डाली को भी इसी तरह से काट देते हैं, फिर दोनों को मिलाकर पॉलीथीन के पट्टे से बांध देते हैं। करीब 1.5 माह बाद दोनों डाली जुड़ जाती है। ऐसे पेड़ बाग में 1 साल बाद लगने लायक हो जाते हैं। जहाँ तक कि देखा जाए कि हम बिनियर मेथड से भी इसका कर सकते हैं, और हम इसमें इनसीटू ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। इनसीटू ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जैसे हम जिस फील्ड में हमको प्लांटिंग करवाना है उस फील्ड में सबसे पहले हम एक पीट में 2 से 3 बीज बुआई कर देंगे, और 1 साल के बाद फील्ड में ही हम इसका ग्राफ्टिंग कर देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा कि ट्रांसप्लांटिंग का खर्चा बच जाएगा, लेकिन इससे कुछ नुकसान भी हैं कि अगर पौधा मर जाता है तो हमको 1 साइज का प्लांट ऑर्चर्ड में मिलना संभव नहीं है। इसीलिए सॉफ्टवुड बेज मेथड का ग्राफ्टिंग बहुत ही उचित है और ये हमको फायदेमंद भी रहेगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियाँ, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नेटवर्क ग्वालियर में बेखौफ बदमाश, छत पर खड़ी या छात्रा पर फायरिंग, बाल बाल बची जान। रीवा में सरपंच पति की दबंगई। सीहोर के अमरगढ़ वाटरफॉल में हादसा, गहरे पानी में डूबा युवक, छलांग लगाता नजर आया युवक। टीकमगढ़ में दर्दनाक हादसा, तीर्थयात्रियों से भरा वाहन पलटा, एक की मौत कई घायल।
सीहोर को सीएम शिवराज ने विकास कार्यों की दी सौगात, करोड़ों के निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन, लोकार्पण, गोपालपुर गांव में रोड शो। मिशन 2023 में जुटी बीजेपी, भोपाल में चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन, कई समितियों का हुआ गठन, 25 जुलाई से 12 अगस्त तक समरसता यात्रा की तैयारी। ग्वालियर में बेखौफ बदमाश, छत पर खड़ी छात्रा पर फायरिंग, बाल बाल बच्ची जान, रीवा में सरपंच पति की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, शहीद गुड्डाधूर कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और इसके आसपास वाले जिलों में मध्यम बारिश होने व बादल छाए रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा की गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से बहने की संभावना है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सीधी बोई गई धान 4 से 5 सप्ताह की अवस्था में है। आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम मात्रा में बारिश होने का अनुमान है, इसलिए किसान भाइयों को धान में ब्यासी के लिए जाना चाहिए। निराई गुड़ाई के पश्चात ब्यासी के समय 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए और वर्षा के अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें। किसान भाइयों, अगर धान की फसल में आंख या नाक के आकार के भूरे धब्बे दिखाई दें तो टेबकोनाजोल 50% 0.40 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान के खेतों में जहां पौधे खराब हो चुके हों वहां पर पुनः धान की रोपाई करें। खुर्रा और कतार बोनी की गई धान की फसल 18 से 20 दिन की हो जाने पर नीदा नियंत्रण हेतु बिस्पायरी बैक सोडियम सक्रिय तत्व 10% 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मक्के की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए 20 से 30 दिन पुरानी फसल में खरपतवार नाशक दवा टोप्रामेजोन 33.6% SC 12 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जल्दी बोई गई मक्के की फसल 3 हफ्ते पुरानी हो चुकी है, अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि वे निराई गुड़ाई करें और नत्रजन युक्त उर्वरकों को डालकर मिट्टी चढ़ाने का काम करें। बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए मिर्च और बैगन की फसलों में फल सड़न की संभावना है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। गलघोंटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए मवेशियों में टीकाकरण जरूर कराएं। दुधारू पशुओं को यदि पतला दस्त हो तो पहले कृमि नाशक दवा पिलाएं, फिर एंटीजॉल और रूमेन FS 2 बॉल्स सुबह शाम 2 दिनों तक जरूर खिलाएं। 4 माह से अधिक उम्र की बकरियों को PPR रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर कराएं। किसान भाइयों को कुक्कुट पक्षियों में रानीखेत रोग के बचाव के लिए
टीकाकरण करने की सलाह दी जाती है। पहला टीका F1 7 दिन की उम्र पर करना चाहिए और दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र पर किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मझोना जिला कटनी के कृषक सूरज पाल ने। यह स्यूडोमोनास जैव उर्वरक के उपयोग और महत्व के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सूरज पाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, जैविक खेती की जब बात आती है तो कुछ ऐसे जैव उर्वरक हैं जिनका इस्तेमाल की हमेशा वैज्ञानिक सिफारिश करते हैं। उसमें प्रमुख रूप से हम बात करते हैं सूडोमोनास की। सूडोमोनास एक प्रकार का जवाहर जैव उर्वरक, यह सभी फसलों के लिए सिफारिश किया गया है। यह फसलों में विशेष रूप से बहुत सारी जो फसल उत्पादन से संबंधित चीज़ें हैं, पौधे के विकास को लेकर, पौधे की गुणवत्ता को लेकर, इसमें विशेष रूप से कार्य करने की क्षमता है। स्यूडोमोनास जैव उर्वरक का प्रयोग सभी फसलों के लिए कर सकते हैं। ये पौधवर्धक उत्पाद है। ये वनस्पतिक वृद्धि करता है, पौधे में फूल और फल को बढ़ाता है। सबसे खास बात यह है कि इसका प्रयोग अरहर, चना, मसूर, मटर, गेहूं, टमाटर, शिमला मिर्च, गन्ना, मक्का, तरबूज, खरबूज, मिर्च आदि सभी फसलों में किया जा सकता है। जब भी स्यूडोमोनास की विशेषताओं की बात करते हैं तो स्यूडोमोनास एक प्रकार का जैव उर्वरक है जो कि द्वितीयक मेटाबोलाइट जो होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक जो होते हैं, उस तरीके से ये उत्सर्जित करते हैं और पौधों को जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उनसे रक्षा करते हैं। यह सूक्ष्मजीव संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो हमारी फसल है उसके पूर्ण रूप से विकास में एक महत्वपूर्ण इनकी जो है रोल होता है, विशेष प्रकार की जिम्मेदारी होती है कि ये जब भी हम उपयोग करते हैं तो ये अपनी इसमें महती भूमिका निभाते हैं। मृदा में उपस्थित जो प्रदूषण करने वाले जो कई चीज़ें होती हैं उनको भी विघटित करने का काम करते हैं, उनको अच्छी तरीके से सड़ाने का या हम कह सकते हैं कि उनको डिकम्पोज करने का काम ये करते हैं। चूँकि जीवाणु बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में जाना जाता है, अतः जब हम सूडोमोनास का उपयोग करते हैं तो ये देखा गया है कि जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं जैसे फ्यूजोरियम है या पीथियम है, अल्टरनेरिया है या हम कह सकते हैं नेमाटोड है आदि से सुरक्षा करता है। सूडोमोनास के इस्तेमाल से जो लाभ होते हैं हमारी फसल में, हमारी भूमि में, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब भी हम फसलों में सूडोमोनास का इस्तेमाल की बात करते हैं या उपयोग करते हैं तो इसमें विशेष रूप से वानस्पतिक वृद्धि वो बहुत अच्छी होती है, इसमें विकास बढ़िया होता है और यह हमारी शोध में पाया गया है। इसके साथ ही ISR जो है विकसित करने में वे और फलस्वरूप जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा जो लोह तत्व है उसकी गुणवत्ता को और उसकी उपलब्धता को बढ़ाता है। जो आयरन होता है या लोहा जो होता है भूमि में होता है उसकी उपलब्धता को बढ़ाता है। इसके अलावा पौधों की जो प्रतिरोधक क्षमता है विभिन्न प्रकार की, जैसे सूखा पड़ गया, पानी की कमी हो रही है या बहुत अधिक मात्रा में कभी रोग या व्याधियों की समस्या आ रही, तो इन सबसे प्रतिरोधीय क्षमता जो है हमारे पौधों की बढ़ जाती है। अब बात आती है कि इसको प्रयोग दर कितना प्रयोग करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो बीजोपचार के रूप में अगर हम चाहें तो 10 ml प्रति लीटर या पाउडर का रूप में भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो 20 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसका उपयोग करना चाहिए। अगर हम मिट्टी का उपचार कर रहे हैं तो 3 किलोग्राम सूडोमोनास या फिर 2 लीटर से 3 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो खेत हैं उनमें अगर हम पौधों में भी छिड़काव करना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं पर्णी छिड़काव। पर्णी छिड़काव में प्रमुख रूप से हमारे किसान भाई 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हमारा जो स्यूडोमोनास कल्चर है उसका सुबह
के टाइम या फिर शाम के समय उसका अच्छी तरीके से फसल पर छिड़काव करेंगे तो उसका लाभ बहुत अच्छा मिल सकता है। इसके साथ ही अगर हम सिंचाई के साथ उपयोग करना चाह रहे हैं तो टपक सिंचाई जो होती है उसमें 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से टपक सिंचाई की जो व्यवस्था है उसमें हम अगर हमारे सुडोमोनास का घोल को इस्तेमाल करें तो ये 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। सुडोमोनास का छिड़काव करने के बाद फसल पर रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, साथ ही फसल पर लगभग 3 बार इसका स्प्रे करना चाहिए। पहली बार फसल जब 1 महीने की हो जाए, दूसरी बार फूल आने से 1 सप्ताह पहले और तीसरी बार फल आने के 1 सप्ताह पहले सुडोमोनास का छिड़काव करना चाहिए। 1 एकड़ में 2 लीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना होता है। हम हमेशा किसान भाइयों को ये सलाह देंगे कि वो बीजोपचार जब कर रहे हैं या फिर मिट्टी में उपचार कर रहे हैं तो जो बताई हुई मात्रा है उसकी कमी ना करें। उससे ज़्यादा मात्रा में भी इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन उससे कम मात्रा में करेंगे तो उसका बेहतर रिजल्ट नहीं प्राप्त हो पाते हैं। इसलिए हमेशा सिफारिश की हुई मात्रा का इस्तेमाल करें और उससे अधिक मात्रा में भी इस्तेमाल करते हैं तो उसका लाभ अच्छा मिलता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह फसल की बेहतर खेती में बेहतर लाभ प्रदान करने में सुडोमोनास का एक अपना विशेष योगदान है और इस जैव उर्वरक के इस्तेमाल से किसान भाई निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की व्याधियों से और विभिन्न प्रकार की जो रोग होते हैं समस्याओं से भी निजात मिलती है। इस प्रकार से हम सुडोमोनास का इस्तेमाल करके गुणवत्ता में बढ़ोतरी करता है और उत्पादन में ही बेहतर प्राप्त होता है। तो सुडोमोनास जो जवाहर जैव उर्वरक है इसका इस्तेमाल किसान भाइयों को जरूर करना चाहिए। और एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889613 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।